नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल होम्योविज़न पर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेडिकल कंडीशन की जिसको हम ओनिकोक्रिप्टोसिस के नाम से जानते हैं, और इसका जो कॉमन टर्म है वो इनग्रोन टोनेल या इनग्रोइंग टोनेल्स के नाम से है। जैसे हम लोग की होम्योपैथी की रिपर्टरी में इनग्रोइंग टोनेल्स है और कई जगह इनग्रोन टोनेल्स यूज़ होता है, ऐसे इसका मेडिकल टर्म ओनिकोक्रिप्टोसिस है। ये बड़ा ही क्रिटिकल कंडीशन पैदा हो जाती है जब हमारे पैरों के नाखून चमड़ी में घुसने लगते हैं, साइड वाले जो स्किन होते हैं उसमें जब अंदर पेनिट्रेट करने लगते हैं तो शुरू में बहुत तकलीफदेह स्थिति पैदा हो जाती है। दर्द, सूजन के साथ साथ बाद में फिर उस पर इन्फेक्शन लगते हैं। इन्फेक्शन लगने के बाद सपुरेशन स्टार्ट हो जाता है, अल्सरेशन शुरू हो जाता है, तो ये कंडीशन और भी भयावह हो जाती है। अगर पर्सन डायबिटिक है तब तो बहुत बुरी कंडीशन हो सकती है। तो इसी स्थिति परिस्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाए, एक बहुत ही छोटा सा वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। चलिए आइए हम बात करते हैं इसके कुछ कारणों के। ऐसे तो इसका कोई फिक्स कोई कारण नहीं होता, लेकिन कुछ है जो खुद से क्रिएट किया होता है। जैसे इम्प्रॉपर शूज़ जो होते हैं, टाइट शूज़ पहनना, ठीक है, या फिर नाखून को चारों तरफ से राउंड करके काट देना, उसके कॉर्नर को भी एकदम अंदर तक काट देना, एक ये भी कारण बनता है। दूसरा हो सकता है कि आपके नाखून में ही कोई ऐसा कंडीशन आ जाए, कोई इन्फेक्शन लग जाए जिसके वजह से नाखून जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और फिर वो अंदर की तरफ ग्रो करने लगते हैं। कभी कभी चोट के बाद भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसका कोई मतलब पता ही नहीं है कि मतलब और किस किस रीजन से हो सकता है, लेकिन जो मैंने कारण बताया वो कॉमन कारण में यही है जो कॉमन काज है। और इसमें दिक्कतें शुरू होती हैं जब वो पेनिट्रेट करता है स्किन को, जब भेदने की कोशिश करता है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह स्थिति पैदा होती है, यहाँ तक कि चलना फिरना हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाद में अगर इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाया तो फिर वो सपुरेशन स्टार्ट हो जाएगा, अल्सरेशन हो जाएगा और भी बहुत भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले इसके मैनेजमेंट को जानते हैं कि इस स्थिति में क्या मैनेजमेंट किया जा सकता है। कुछ आयल भी ऐसे आते हैं जिनको अगर लगाया जाए नाखून पे तो नाखून थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, और फिर हम किसी मैकेनिकल एड के जरिए उसको थोड़ा सा बेंड करके ऊपर कर सकते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा कठिन काम है, बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है ऐसे में, तो आप बिना किसी एक्सपर्ट के देख रेख में अपने से करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ कि गुनगुने पानी में नमक और पानी डाल के गुनगुना कर लीजिए और उसमें पैर को 2 मिनट 4 मिनट रखिए, उससे भी आपका नाखून जो है सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसको किसी चिमटी के सहारे जो है उसको आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है तो एनेस्थेसिया भी दे के किया जा सकता है। कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं जैसे इम्प्रॉपर शूज के चलते हैं, बहुत टाइट शूज के चलते हैं, तो आप जो है आगे खुला हुआ शूज पहने, सैंडल पहने, चप्पल पहने, और पैक शूज से दिक्कत हो सकती है या आगे जो टाइट शूज हैं उससे दिक्कत हो सकती है। तो ये हो गया एक कॉमन सा मैनेजमेंट। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो शुरू में जो कंडीशन है उसमें आप जो कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन है उसमें बहुत सारी मेडिसिन है, लक्षण के हिसाब से ही चलती है, तो कुछ मेडिसिन ऐसी है जिसका कॉमनली यूज़ लोग करते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, साइलिशिया हो गया, ट्यूक्रियम हो गया, और शुरू में आप बेलाडोना भी दे सकते हैं, लीडमपाल भी दे सकते हैं। लीडमपाल इसलिए कि ये एक तरह से पंचर्ड इंजरी भी है, वो पॉइंटेड हो जाता है नाखून, वो स्किन के अंदर जो है पेनिट्रेट करने लगता है, तो यहाँ पे लीडमपाल का भी अच्छा रोल है। और जब सपुरेशन हो जाए तो उसके बाद आप साइलिशिया भी दे सकते हैं। लेकिन
होम्योपैथी के स्टॉलवर्ट रहे हैं डॉक्टर डी एम फोबिस्टर। उनके हिसाब से अगर आप कॉमन मेडिसिन यूज़ कर चुके हैं और अगर आपको बहुत अच्छा लाभ नहीं दिख रहा होता है या कंडीशंस हो सकता है कि कुछ क्रिटिकल और भी हो गई हो, तो वहाँ पर एक बार मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस की 200 पोटेंसी की 3-4 खुराक लेकर एक बार आप इसको देख सकते हैं। हो सकता है कि आपका मतलब जो ट्रीटमेंट का पार्ट है वो यहीं पे समाप्त हो जाए, यहीं पे पूरा हो जाए, तो इससे आपको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो है बिना चिकित्सकीय देख रेख के कोई भी ट्रीटमेंट ना करें, तो आप अपने होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।